نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم عليكم अलह الله وبركاته आमी شاء الله आज हम सूर्य आले इमरान का आगाज करने जा रहे हैं अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुबान हमारी जबान पर हक जारी फरमाए और आप तक आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और उस पर हम सबको अमल करके आगे कुरान को जो हम सीखें उसको अमल करके आगे पहुंचाने की तोफ़ी कता फरमाए तो नीयतों को दुरुस्त कर लें हम इनशाला यहाँ पर सबसे पहला जो काम होगा आप रोजाना पहले ये करेंगे कि अपनी नियत को क्या करेंगे चेक करेंगे हम यहाँ पर कोई शोशा करने के लिए ये कुरान नहीं सीख रहे हैं कि हम बहुत नेक कहलाएं या हम यूं कहलाएं कि हमने बहुत कुरान सीख लिया या कि हम किसी को सिखा सकते हैं हम इसलिए ये कुरान सीख रहे हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कवानी अल्लाह के जो रूल्स रेगुलेशन है जो बंदे के लिए अल्लाह ने बनाए हैं वो हम अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट कर सकें अपने अमल में ला सकें और इनशाला अपने शऊर के जरिए से अपनी आगे की नस्लों को इनशाला सुधारने की कोशिश कर सके तो हमेशा जब भी आप कुरान को ओपन करें सबसे पहली नियत हो कि अल्लाह रब्बुल मुझे हिदायत फरमा देना इसके जरिए से और सबसे पहला काम अल्लाह ने फरमाया है कि जब भी क्या करो कुरान को खोलो तो उसके लिए क्या पढ़ लो ताउज पढ़ लोउिल्ला शैतान पढ़ लो, लो। क्यों क्योंकि ये ऐसा काम है कि जिस हमने यह, यह बात भी सुनी है कि जो भी अच्छा काम हो उससे पहले क्या करना है बिसमिल्ला पढ़ना होता है है ना लेकिन जब आप कुरान पढ़े तो अलॉन्ग विध बिस्मिल्लाज़ जरूर पढ़े ताउ यानी शैतवान ताकि शैतान हमें इसके जरिए से गुमराह ना कर दे क्योंकि पहली जो पिछली उम्मतें हैं इनशाला हम देखेंगे इस सूरा में भी देखेंगे आगे जब हम सूर बकरे उसमें भी देखेंगे कि अल्लाह रबुल्जत ने उनको किताबें अता की फिर वो किताबें पढ़ पढ़ के गुमराह हो गए उसके अंदर मैनिपुलेशन शुरू कर दिया उसके अंदर तब्दीली बदल करके उन लोगों ने उसी किताब को क्या बना लिया अपने जिंदगियों को तबाह करने का जरिया बना लिया तो अल्लाह रबुल्जत से पहले दुआ करें कि अल्लाह इस कुरान को मेरी हिदायत का और मेरी नस्लों की और तमाम मोमिन का हिदायत का जरिया बनाना इसके जरिए से कभी किसी को गुमराह ना करना क्योंकि शैतान लगातार हमारे पीछे पड़ा रहेगा जब हम पुरान सीखने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह से दुआ ये भी करें कि अल्लाह मैंने आज शुरू किया है सूर्य आल इमरान को इसके तर्जुमे को सीखने को तो अल्लाह मुझे इस्तकामत देना मुझे स्टेट पास करना मुझे इसमें फर्म कर देना ऐसा ना हो कि मैं आज एक दिन करूँ मुझे टाइम नहीं लग रहा मुझे ये बहुत जम नहीं रहा है तो देखे हमने अल्लाह रबुलजत कहेंगे की तुम्हारे पास तो सारी फैसिलिटीज थी तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स भी थी तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शंस भी थे तुम्हारे पास और भी स्टूडेंट्स थे अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरों से भी पूछ सकते थे फिर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आज मैं शुरू कर रही हूँ तो वतम बिल खैर ये दुआ बहुत अच्छी तरह से याद कर लें शुरू में आप सबने पढ़नी है रब्बी रबी ए अल्लाह इसको आसान पर कर देसरा मतलब आसान करना वला वलतवासिर और इसको मुश्किल ना करना वैर और अल्लाह इसको कंप्लीट करवा देना खैर के साथ ऐसा ना हो कि मैं बीच में से इसको स्किप कर दूं क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि जब आ, हम शुरू शुरू के दिन तो बहुत एक्साइटेड होते हैं अब ऐसा होगा कि ऐसा लग रहा है ओ इतना सारा ग्रामर है इसमें तो ये तो हमारे बिल्कुल बाउंसर जा रहा है तो यकीन करें आप आज पहले दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत मतलब ऐसी टेक्निकल सी बातें हैं लेकिन आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको मगप हो चुकी होंगी पूरा आप रट चुके होंगे आपके जबान पर जारी हो चुका होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके अंदर कब उतर गया तो हम इतनी मरतबा उन चीजों को रिपीट करेंगे जब जब वो चीजें आएंगी ग्रामर की हम इतनी मरतबा उनको कहेंगे कि इन वो आपको याद हो जाएंगी तो बिल्कुल भी ग्रामर के उससे डर के भागना नहीं है यहाँ पर बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ना ही हैं देखें अल्लाह सुबहान तला उनको इस्तकामत दे अः अल्लाह रबुल्जत वो अराउंड शीज शी इज शी अराउंडी और सिक्सटी फाइव फिर भी वो लगातार कोशिश करते रहते हैं ग्रामर की तजवीद की सारी चीजों की तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम यंग हैं और अल्लाह ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है तो इससे अवेल करें और इससे कोशिश करें कि हम इसको सीख कर आगे पहुंचाएं चलिए इनशा अब हम अपनी सूर्य का आगाज करते हैं बिसमर अल्लाह से इस्तकामत की दुआ करें अल्लाह हमें इस्तकामत दे और उसको तकमील तक पहुँचा आमीर बिसमी ठीक है अब हम कह रहे हैं इस का नाम है सूर आले इमरान आले इमरान ये आले इमरान का मतलब होता है फैमिली ऑफ इमरान अभी अभी हम इसको और भी डिस्क्राइब कर देते हैं इन तो ये मतलब इमरान के घर आने वाले इमरान के घर वाले तो इस सूर में कितने रुकू हैं बीस रुकू हैं दो सौ आयात है और ये मदनी दौर की सूरह है मदनी और मक्की में क्या फर्क है देखिए कुरान की जितनी भी सूर है जितनी भी आयते हैं या तो वो मक्की होंगी या मदनी होंगी अब मक्की और मदनी में क्या फर्क है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की थी हिजरत मतलब माइग्रेशन किया था जब मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया बहुत परेशान किया तो अल्लाह इज्जत का हुक्म हो गया नबूवत मिली आप अलैहि वसल्लम को चालीस साल की उम्र में फिर तेरह साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में और गुजारे यानी फिफ्टी थ्री ईयर्स की एज हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरपन साल के हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अब आप ऐसा करें आप मदीना चले जाए मदीना के लोग आपको वेलकम करेंगे मदीना के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं ये मुशरिकान ने मक्का ये ने मक्का ये आपके ऊपर जुल्म से तम कर रहे हैं आपके फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं आपके सहाबा को टॉर्चर कर रहे हैं तो आप ऐसा करें अब आप यहाँ से कहाँ की जानब चले जाए मदीना की जानब चले जाए और भी हिजरत हुई थी इससे पहले हफशाह की तरफ लेकिन जो मेजर जो असल जो हिजरत हुई थी जहाँ सारे साहबा ने फिर हिजरत कर ली थी वो थी मदीना की तरफ तो मक्का से मदीना की तरफ जो हिजरत हुई है तो वहां जिस जिस दिन से आप वसल्लम ने हिजरत की और वहां पहुंचे तो वहां के दौर को मदीना का दौर कहा जाएगा और जो हिजरत से पहले का दौर है वो मक्की दौर कहलाएगा तो मक्की दौर तेरा साल का है मदनी दौर दस साल का है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी 63 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल तिरसठ साल की उम्र में हुआ चालीस साल में नबूवत मिली तो एक चालीस साल के बाद फोर्टी वन से लेकर फिफ्टी थ्री तक इकतालीस से लेकर तिरपन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तबलीग करते रहे मक्का में लोगों को आ, मतलब आ, दीन का काम करते रहे लेकिन वो लोग जो थे बहुत हट धर्म लोग थे बहुत ज्यादा फॉर्म थे अपने आ, दीने कुफर पर और वो जो थे मतलब आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो लोग ईमान लेकर आ गए उस जगह पर अल्लाह ने कहा वो सारे ईमान वाले यहाँ से क्या करें मदीना की तरफ चले जाएं तो सारे ईमान वाले आप अलैहि वसल्लम के साथ मदीना चले गए तो जितने भी ईमान वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना गए उनको क्या कहा जाएगा मुहाजिर मुहाजिर मतलब हिजरत करने वाले जो माइग्रेशन करने वाले थे वो मुहाजिर हिजरत करने वाले मुहाजिर कहलाएंगे और जो लोग मदीना में रहने वाले थे वो अंसार कहलाएंगे अनसार मतलब मदद करने वाले क्योंकि उन लोगों ने मुहाजरीन की जो मक्का से मदीना आए थे जितने ईमान वाले अल्लाह ने चुनकर मदीना भेजे थे वो मदीना वालों ने ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत थी उनमें और ऐसी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी कि वो अपनी जाने देने को तैयार थे मुहाजिरीन के लिए और वो क्या क्या कर क्या क्या, क्या किया था उन लोगों ने वो इंशाल्लाह हम आ, रफ्ता रफ्ता सारी चीजें देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने भी कुर्बानियां दी थी महाजरीन की भी कुर्बानियां कम नहीं है और अनसार की भी कम नहीं है तो दो सेक्ट हो गए दो ग्रुप हो गए एक ग्रुप हो गया जो मक्का से मदीना आ रहा है वो महाजिर कहलाएगा और जो ऑलरेडी मदीना में मौजूद है वो अनसार कहलाएगा वो दो कबीले के लोग थे औस और खजरत जनी दो कबीले के लोग थे वो आपस में बहुत लड़ाई करते थे लेकिन जब आप सल्लाम की किताब पर ईमान लाए तो उनमें भी आपस में मोहब्बत पैदा हो गई ठीक है तो उनको अनसार यानी हेल्पर्स कहा जाता है दीन की मदद करने वाले महाजरीन की मदद करने वाले तो दो ग्रुप हो गए और हम क्या बताना चाह रहे थे मक्की और मदनी सूरतें किसको कहा जाएगा मक्की वो सूरतें जो हिजरत से पहले नाजिल हुई और हिजरत यानि माइग्रेशन से पहले नाजिल हुई और जो मदनी है वो हिजरत के बाद नाजिल हुई बाद या पहले का तस, वो उसमें तस्करा है ये नहीं है कि वो किस जगह पर नाजिल हुई क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में भी थे कभी कहीं और भी थे कभी हुदैबिया में भी थे तो वो अलग अलग जगह पर मौजूद थे लेकिन अगर हिजरत के बाद थे तो वो मदनी कहलाएगी और हिजरत से पहले थी तो मक्की कहलाएगी तो अल्हदुल्ला होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मक्की और मदनी किसे कहते हैं हिजरत से पहले मक्की चाहे जिस जगह भी नाजिल हुई हो और Uh, हिजरत के बाद मदनी uh, चाहे वो जिस जगह भी नाजिल हुई हो इस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेस ठीक है तो ये कौन सी सूर्य है मदनी सूर्य है तो मदनी का क्या मतलब है ये हिजरत के बाद नाजिल हुई तो इस ये कब नाजिल हुई थी बेसिकली ये नाजिल हुई थी तीन हिजरी में तीन हिजरी मतलब हिजरत के तीन साल बाद हिजरत के तीन साल बाद अहद हुई गजवाए अहद के बाद वो अब गज़वाए ओहद का भी तस्करा इनशा इसी सूर्य में हम पढ़ेंगे गजवाए बदर के ताल्लुक से हमने बकरा में पढ़ा था हम दोबारा पढ़ेंगे और गजवाए ओहद के ताल्लुक से इनशाला इस सूरय में पढ़ेंगे तो गजवाए ओहद गजवा मतलब जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंग में शामिल थे तो उसको गजवा कह, कहा जाता है तो बैटल ऑफ ओहद तो उसके बाद ये सूर्य नाजिल हुई अक्सर और बेशतर इसकी आयतें जो हैं वो तीन हिजरी में नाजिल हुई और थोड़ा सा हिस्सा नौ हिजरी में नाजिल हुआ है ठीक है तो वो हम इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि कौन सा हिस्सा नौ हिजरी में नाजिल हुआ है खैर ये सारी बातें हम बहुत बेसिक चीजें इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज का फर्क पता चल जाए क्योंकि ये अभी सूर्य जब हम कहेंगे कि मदनी आयते हैं कि मक्की आएते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तो ये इतनी बात समझ आ गई होगी तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं मक्की और मदनी का फर्क अब हम आगे आते हैं इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन की तरफ के अल्लाह सुबाना तला ने यह सूर नाजिल की इसका क्या मकसद है सबसे पहले तो अभी हमने कहा कि आले इमरान इस सूर्य का नाम है आले इमरान एक वर्ड होता है अहल और एक होता है आल आपने सुना होगा अहले बैत और फिर आप आल भी सुनते हैं कभी कभी ये हमारी आल से हैं ये आल ये आले आले इमरान है तो आल और एहल में क्या फर्क है देखिये एहल जब कहा जाएगा ना तो उसका मतलब होगा फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स, जो घर वाले हैं उसी को अहल कहा जाता है लेकिन आल के अंदर दो तर्जुमे आते हैं आल के अंदर दो तर्जुमे आते हैं क्या क्या तर्जुमे आते हैं आल के अंदर एक तो आता है फैमिली और एक तर्जुमा आता है फॉलोवर्स। तो आल के दो तर्जुमे या तो फैमिली होगी या फॉलोवर्स होगा फैमिली यानी के घर वाले आल का एक तर्जुमा घर वाले होता है आल का दूसरा तर्जुमा होता है जो किसी को फॉलो कर रहा है जो जो किसी किसी की तकलीद कर रहा है जो किसी के पीछे पीछे चल रहा है क्योंकि कुरान में दो यहाँ पर आले इमरान वर्ड आया आप कुरान में आगे सुनेंगे आले फिरौन तो आले इमरान मतलब इमरान के घर वाले फैमिली वाले लेकिन आले फिरौन जब आप सुनेंगे ना तो उसमें घर वाले नहीं है फिर के बल्कि क्योंकि फिरन के घर वाली कौन थी बीवी आसिया थी जो कि ईमान वाली थी लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुबहाना तला जब भी आले फिरौन कहते हैं तो उन लोगों के बारे में कहते हैं जो फिरोन के नक्शे कदम पर चल रहे थे जो बिल्कुल फिरौनियत उनके अंदर भरी हुई थी वो बिल्कुल दीन के खिलाफ थे तो आले फ़िरन यानी फिरौन के फॉलोवर्स जिन्होंने फिरौन की बात मानी जिन्होंने फिरौन को अपना लीडर मान लिया जिन्होंने फिरौन को अपना इमाम मान लिया वो थे आले फिरौन तो बस ये हमने आपको इसलिए डिफरेंस बताना था कि कहीं आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो जाए तो कभी आल का तर्जुमा फैमिली होगा कभी आल का तर्जुमा फॉलोवर्स होगा यानी कभी घर वाले होगा कभी उसके मानने वाले होगा तो यहां पर जो तर्जुमा है आले इमरान का वो घर वाले और कौन किसके घर वाले आले इमरान है कौन आले इमरान है मरियम और ईसा आलाम के घर वाले ठीक है क्योंकि मरियम सलाम जो है उनके वालिद का नाम है इमरान उनके वालिद का नाम है इमरान और मरियम सलाम के बेटे कौन है मरियम सलाम के बेटे कौन है ईसा आलाम तो उन्हीं की फैमिली का तस्करा इस सूर्य में किया गया है इसीलिए सूर्य का नाम है आले इमरान ठीक है हम आगे बढ़ते हैं इनशाला तो ये एक एक छोटी सी बात थी आल और अह, एह, अहल में फर्क अहल मतलब घर वाले सिर्फ घर वाले अहल बैत का मतलब होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहारात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे बेटियां थी बेटे थे उन सबको अहल बैत कहा जाएगा और जो आल का मतलब होगा या तो घर वाले होगा या फिर उसके मानने वाले होगा दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि इसके रिगार्डिंग कुछ अहादीस है इस सूर्य की और सूर्य बकरा की बहुत अहमियत है अल्लाह सुबहान इम्पोर्टेंस इस सूरह को दी है और आप अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अदीस है लेकिन हमने कुछ चंद एक दो अदीस आप लोगों के लिए यहाँ पर इंशाला हम पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कितनी अहम सूरह है यही बिन हारिस रजियाल्ला रजियाल्ला तुम यही बिन हारिस कहते हैं कि मकबूल ने फरमाया जिसने जुमे के दिन सूरे आले इमरान पढ़ी उसके लिए फरिश्ते रात तक बख्शिश की दुआ करते रहते हैं सुनंदारमी की यह हदीस है यानी कि जो जुमा के दिन इस सूर्य की तिलावत करता है जैसे सूर्य कैफ भी हम पढ़ते हैं वो तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है लेकिन जिसने इस सूर्य को पढ़ा तो अल्लाह सुबाना तला उसकी रात तक क्या करेंगे फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे कितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ना कि हमारे लिए फरिश्ते दुआ करें देखें हम जब अपनी दुआ करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल है कि हमारे गुनाहों की वजह से हमारी नाफरमानियों की वजह से वो दुआएं वैसे कबूल ना हो लेकिन जब फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे तो डेफिनेटली वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मासूम तरीन मखलूकत हैं तो वो तो दुआ कबूल होनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम चाहते हैं अगर फरिश्तों से दुआ करवाना तो हम जुमा के दिन क्या करें सूर्य की तिलावत करें और फिर दूसरी एक हदीस है शाबी कहते हैं कि अब्दुल्ला ने कहा आखिर रात को तहजद में सूर्य आल इमरान का पढ़ना गरीब के लिए खजाना है यानी कोई इंसान अगर गर, गरीब है हम गरीब किसको कहते हैं जिसके पास मालो दौलत ना हो रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसके पास इल्म ना हो आप सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके पास इल्म ना हो वो लोग गरीब हैं तो यहाँ पर कहा कि गरीब के लिए सबसे बड़ा खजाना क्या है कि वो तहज के वक्त क्या करे सूर आल इमरान की तिलावत करे नेक्स्ट हदीस है ये सब दारमी की हदीत है मसरूफ कहते हैं कि अब्दुल्ला के पास एक आदमी ने सूर बकरा और सूर्य आल इमरान पढ़ी तो उन्होंने फरमाया तू ने जो सूरतें पढ़ी हैं इनमें अल्लाह का इसम आज़म है जब इसके जरिए से दुआ की जाती है तो कबूल करता है और जब इसके जरिए मांगा जाता है तो वो देता है अब देखिए इसमें आजम किसको कहा जाता है अल्लाह के बहुत पसंदीदा नामों में से कुछ नाम है कि जब आप उन नामों को अल्लाह को के पुकारते हैं तो अल्लाह कभी दुआएं रद्द नहीं करते ठीक है।, है तो ऐसे आप अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि उसमें कहा गया कि आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन सूरतें कुरान की ऐसी है जिसमें इसमें आजम मौजूद है तो वो तीन इमरान सूर बकरा और सूरताहा तो जब मुफस्रीन ने उस चीज को मतलब छानने की कोशिश की क्योंकि उसमें नाम नहीं बताया गया कि कौन से इसमें आज़म है तो जब मुफ्सरीन ने इसको तलाशा कि कौन से इसमें आजम है अल्लाह इज़्ज़त के कौन से वो नाम है जो तीनों सूरतों में कॉमन है तीनों सूरतों में पाए जा रहे हैं तो वो नाम कौन से है अलह अल्कयम है ना जो हम आयतल कुर्सी में पढ़ते हैं या हय्यू है या क्यूम और बहुत सारी दुआएं भी हैं या कयूम या भी रहमति कागीस है ना ऐसी बहुत सारी दुआएं तो जब आप या हय्यू या क्यूम का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दुआओं को रद्द नहीं करते ठीक है तो ये भी एक हदीस है एक और हदीस में आता है हजरत अबू अमामा रद्ल तुआ फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान पाक सीखो क्योंकि ये अपने पढ़ने वालों के लिए कयामत के दिन शिपात कुनिंदा है होगा यानी पहली बात क्या कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुराने पाक का सीखना उसके लिए क्या बनेगा शिफात करेगा एक एक सिफारिश तो हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक जो बंदे होंगे उनकी क्या करेंगे सिफारिश करेंगे जन्नत में जाने के लिए लेकिन याद रखें कि वो सिफारिश सबके लिए नहीं है हम समझते कि हमने कलमा पढ़ लिया तो हमारे लिए वो फिक्स हो गई अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके लिए हुक्म देंगे बस वही लोगों की सिफारिश आप वसल्लम करेंगे लेकिन जो कुरान पढ़ने वाला है उसको समझ कर उसके उसको अपनी जिंदगी में अमल में लाने वाला है तो कुरान उसका क्या बन जाएगा हिमायती बन जाएगा उसका मददगार बन जाएगा उसकी सिफारिश करने वाला इंशाल्लाह कयामत के दिन बन जाएगा तो आप अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान को सीखो उसको पढ़ो ताकि वो तुम्हारी क्या करे क्यामत के दिन सिफारिश कर सके शिफात कर सके और दो मुहाफिजों को पढ़ो दो मुहाफिजों को पढ़ो आप अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो दो मुहाफिज कौन है यानी आप वसल्लम ने कहा कि कुरान पढ़ो और अलग से कहा कि दो मुहाफिज दो हिफाजत करने वालों को भी पढ़ो दो प्रोटेक्टर्स को भी पढ़ो तो आप वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा या रसोल्ला कौन है वो दो प्रोटेक्टर कौन है वो दो हिफाजत करने वाले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरे बकरा और सूरे आले इमरान इन दोनों को भी कसरत से पढ़ो क्योंकि सूरे बकरा और सूरे आले इमरान जो है वो उम्मतों को डायरेक्ट खिताब करती है डायरेक्ट हमसे कलाम करती है और सारे अहकाम मोस्ट ऑफ द अहकाम मोस्ट ऑफ द कमांडमेंट्स ऑर्डर्स जो हैं अल्लाह ने इन दो सूरतों में नाजिल किया और भी में है लेकिन इसकी अहमियत और ज्यादा है क्योंकि ये क्यामत के रोज दो बादलों की तरह या गुबार के गोलों की तरह या सफेद परिंदों की दो जमातों की तरह जिन्होंने अपने पर फैलाए होंगे अपने परों से अपने अहाबाब का दिफा करेंगे यानी अल्लाह रब आ, आप वसल्लम ने फरमाया जो सूर्य बकरा और सूर्य आले इमरान को कसरत से पढ़ता है उसके लिए क्या होगा कयामत के दिन जब कोई शेड नहीं होगा कोई साया नहीं होगा तो क्या होगा कि ये साया बन जाएंगी कैसे साया बन जाएंगी या तो दो बादल बन के आ जाएंगे या परिंदे बड़े बड़े परिंदे और वो क्या होंगे पर फैला कर उसके सर पर साया कर देंगे या बदली सी छा जाएगी जिसकी वजह से उसको क्या मिल जाएगा साया मिल जाएगा तो ये कितनी जबरदस्त बात है ना इंसान जरा सी धूप पड़ती है तो कैसे पेड़ों का और दूसरी चीजों का साया ढूंढता फिरता है कि हम छाव में चलें और फुटपाथ से चलें ताकि हमारे ऊपर धूप ना पड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत वो ये तो ये तो दुनिया की धूप है वो जब शिद्दत की धूप होगी तो अल्लाह सुबहान जब इंसान शराबूर होगा अपने पसीने में डूबा हुआ होगा उस वक्त ये क्या कर रही होंगी उसके लिए बदलियां या परिंदों का साया बनकर खड़ी हो जाएंगी और पर फैलाए हुए अपने परों से अपने असहाब का दिफा करेंगे असहाब का यानी जो अपने पढ़ने वालों के क्या करेंगी उनके लिए झगड़ा करेंगी दिफा करना मतलब उनके लिए जैसे एक वकील कैसे करता है अपने उसके लिए क्या कर रहा है अपने क्लाइंट के लिए खड़ा हो जाता है कि नहीं इसी को जीतना है इस उसके लिए पूरी शिद्दत और मेहनत कर लेता है तो वैसे ही ये क्या करेंगी अपने पढ़ने वाले के लिए खड़ी हो जाएंगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह इसको क्या कर दे बख्श दे इसको जन्नत में डाल दे तुम सूर्य बकरा सीखो क्योंकि इसकी तालीम में बरकत है इसको तर्क करना हसरत है और कुफार को इसकी कुफ्फारत नहीं है यानी अल्लाह ने कहा और आप सल्लाह देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंस बताई कुरान की उसके बाद कहा सूर्य आल इमरान और सूर्य बकरा उसके बाद सूर्य बकरा को और एम्फोसिस किया कि सूर्य बकरा भी पढ़ो क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जब पढ़ोगे तो उससे आपको अः बरकत मिलेगी और इसको अगर छोड़ दोगे तो हसरत करोगे कयामत के दिन के क्यों मैंने इसकी तिलावत ना की क्यों मैंने इसको नहीं समझा क्यों मैंने इसको अपने अमल में नहीं लिया और कुफार को अल्लाह इसकी तोफ़ीक नहीं देता इसको इस्तात नहीं होती कि वो सूर्य बकरा को पढ़े या समझे तो ये दोनों सूरतें बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ऐसी बहुत सारी अदीस है आ, ये जो थी ये जो हदीस हमने पड़ी कुरान के ताल्लुक से ये मुस्तदरक की हदीस है ये सारी सही है ठीक है और जो हमने अभी आपको एक हदीस बताई थी हजरत उमामा रदी अल्लाह तुम से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला का इसमें आजम कुरान पाक की तीन सूरतों में है इसमें आजम यानी अल्लाह रब्बुल रब्जत के जो जिस नाम से दुआ कबूल होती है वो सूर्य बकरा है सूर आल इमरान है और सूर ताहा है कासिम फरमाते हैं कि मैंने इसको ढूंढा तो वो अल्हई अल कयूम था यानी वो नाम जब तीनों में कॉमन था वो अलहयल कूम था ऐसी और भी बहुत सारी अदीस हैं बहुत लेंदी लेंदी अदीस हैं रिगार्डिंग दीज टू सूरज इन दोनों सूरतों के बारे में और एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इन दोनों सूरतों को क्या कहा अजहरा वीन अजहरा वीन मतलब दो चमकदार सूरते दो चमकदार जैसे कैसे सूरज और चांद चमकदार हैं वैसे ये दो सूरतें बिल्कुल चमकदार हैं अल्लाह रबुल ये ऐसे ही होता है ना कि जब हम दुनिया से सितारे देख रहे होते हैं हमें कैसे चमकदार दिखाई दे रहे होते हैं वैसे जब फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों को देखते हैं उनको ये सितारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं तो कोशिश करें कि इन तमाम चीजों को पहले तो स्टिक टू कुरान जिस कदर हो सके अपना जो भी वक्त है आप कुरान पर गुजारें आप लेटे हों बैठे हों अपने सेल को आ, वो कर रहे हो ठीक है तो जब भी आप अपने कुरान को उस, उसका साथ ना छोड़ें क्योंकि वो कयामत के दिन हमारा साथ नहीं छोड़ेगा बाकी सारे हमारे रिश्तेदार आल अहल सब हमें छोड़ जाएंगे सिवाय कुरान के जो कि कब्र से लेकर हशर से लेकर कयामत से लेकर आखरत तक वो क्या करेगा हमारा साथ देगा यहाँ तक कि एक हदीस में आता है कि जब हम परेशान कुन फिर रहे होंगे तो वो कुरान जो है इंसानी शक्ल में एक फिजिकल फॉर्म में आएगा जो कि हमारी क्या करेगा हेल्प करेगा तो जितना हम आ कुरान से ताल्लुक बनाएंगे उतना वो हमारी क्या करेगा कयामत के दिन हमारी मदद करेगा अब हम आते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर कि वाली बात हमने बता दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा कि ये दो ताबनाक दो चमकदार दो शाइनिंग ठीक है तो इसको इसको कसरत से पढ़ा करो अब इन दोनों सूरतों में सूर्य बकरा और सूर्य आल इमरान में नस्बत जोजियत है नस्बत जोजियत मतलब जैसे मराइटल रिलेशन कैसा होता है मेल और फीमेल में एक एक शोहर होता है एक बीवी होती है और शोहर और बीवी दोनों बहुत सारी अः चीजें एक सी भी होती हैं उनके अंदर दोनों इंसान होते हैं दोनों एक ही उससे होते हैं ठीक है स्पीशीज से होते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग भी होती है एक मेल है एक फीमेल है लेकिन दोनों का मिलना क्या होता है एक मकसद को पूरा करता है एक एक पर्पज को पूरा कर रहा होता है तो दोनों का मिलना एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को निगेट नहीं करता दोनों का मिल जाना क्या करता है एक नए मकसद को जन्म देता है एक जैसे कि दो इंसान मिलते हैं एक मर्द और एक औरत तो उससे पूरी नस्लें बनती हैं, उसी तरह से ये दो सूरते हैं जोजियत का ताल्लुक रखती हैं, यानी दो जोड़े का ताल्लुक रखती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है बात को और मकसद को और कुरान को अच्छी तरह समझाने के लिए ठीक है तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के अः कॉन्ट्रेरी नहीं है अपोजिट नहीं है बल्कि एक दूसरे का साथ देने वाली है सूरते अब इनको उम्मतैन कहा जाता है दोनों सूरतों को उम्मतैन सूरतल उम्मतैन किसे कहा जाता है उम, आ, ये जो सूर्य बकरा है और जो सूर आले इमरान है दोनों में दोनों ही सूरतों में दो दो उम्मतों का तस्करा है सूर्य बकरा में कौन सी उम्मत का तस्करा है बनी इसराइल का जो मूसा आल्लाम की कौम है उस अल्लाह ने पहले सूर्य बकरा में पहले बनी इसराइल के बारे में बताया कि उन्होंने ये किया वो किया वो किया अल्लाह ने उनको इतनी नहमती दी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया लेकिन उन्होंने क्या किया अल्लाह की नाफरमानिया की तो अल्लाह ने उनसे क्या की इमामत छीन ली अल्लाह ने उनको बहुत कुछ नवाजा था बहुत सारी चीजें दी थी लेकिन उन्होंने जब अल्लाह की ना की तो अल्लाह ने उनको छीन ली तो ये एक हमारे लिए वार्निंग बना के दिया गया कि देखो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री मत करो सबसे बड़ी नेमत है कुरान करीम इसकी नाशुक्री कभी ना करना अल्लाह के रसूल ने जो किताब हमें दी है ये पूरी जिंदगी का इट्स अ वे ऑफ लाइफ इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट हमारी जिंदगी को गुजारने का तरीका है ये सिर्फ जीने मरने के वक्त काम आने वाली किताब नहीं है सिर्फ यासीन यासीने पर फूकने की किताब नहीं है हमने सिर्फ दम की किताब वजीफों थरीका की किताब बना दिया इसको ये अमल की किताब हिदायत की किताब है जिंदगी गुजारने का तरीका है ये मैनुअल है मैनुअल ऑफ लाइफ है हर हर मशीन के साथ जिस तरह से एक मैनुअल आती है ना एक किताब आती है कि भाई इसको इस तरह इस्तेमाल करो तो ये मशीन बिल्कुल अच्छी तरह से क्या करेगी साथ देगी तुम्हें 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 बेस्ट परफॉर्मेंस देगी लेकिन अगर तुमने वो अपनी मर्जी से इसको चलाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा कि ये क्या होगी खराब हो जाएगी तो अल्लाह ने भी जब हमें पैदा किया तो हमारे लिए हमारी हिदायत के लिए कुरान करीम को नाजिल किया कि अगर इसके खिलाफ चलोगे तो फिर बिगड़ जाओगे फिर अल्लाह से दूर हो जाओगे फिर शैतान राह पर आ जाओगे फिर अल्लाह सुबाना ने अंजाम जो रखा है जन्नत और जहन्नम फिर उसका मामला होगा तो इसीलिए ये किताब दी गई ताकि हम हिदायत की तरफ आ सके ठीक है तो अल्लाह ने सूर बकरा में दो मतों का जिक्र किया सूर्य बनी सॉरी बनी इसराइल का यानी कि मूसा की कौम का फिर डायरेक्ट ईमान वालों को खिताब किया देखो उनकी तरह ना बन जाना देखो उनको कितनी नेमतें दी थी ऐसे ना हो जाना कि तुम्हें नेमत दी कुरान की उनको दी थी तौरात उन्होंने उसकी क्या की ना की अल्लाह ने उनसे छीन लिया सब कुछ फिर तुम्हें किताब दी है तो तुम उनकी तरह ना हो जाना उनके नक्शे कदम पर ना चलने लगना तो ये सूर्य बकरा का वो था मजमून अब सूर्य आले इमरान का क्या है हम चुके कह रहे हैं कि ये आले इमरान है आले इमरान मतलब ईसा सलाम की फैमिली तो ईसा सलाम की फैमिली इमरान की फैमिली मतलब उसमें ईसा सलाम भी आ गए और ईसा सलाम मतलब ईसाइयों न सारा बारिकल फीकम तो यहूद वो हो गए पहली पहली जो सूरत थी उसमें यहूद का तस्करा है फिर ईमान वालों का तस्करा है तो उम्मत मतलब दो उम्मत है तो सूर्य बकरा में दो उम्मत कौन हो गई यहूदी और ईमान वाले हम लिख देते हैं सूर्य बकरा में यहूदियों का जिक्र है यहूद का फिर ईमान वालों का जिक्र है ठीक है और सूर्य आले इमरान में किसका है पहले नसारा का जिक्र है नसारा मतलब क्रिश्चियंस और फिर ईमान वालों का जिक्र है तो इस तरीके से ये दो उम्मतों की सूरत है दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है दोनों के अंदर एक आ, मतलब अभी हमने कहा ना कि ये दोनों के अंदर बहुत सारी मुशाबहत भी है यानी बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है और बहुत सारी डिफरेंसेस भी है तो मुशाबहत ये है कि दोनों के अंदर दो दो उम्मतों का जिक्र है दोनों ही सूरतें क्या कहलाती हैं सूरत उम्मत है। फिर दूसरी बात ये ये दोनों ही सूरत मीम से शुरू होती हैं, ठीक है तो दोनों ये सिमिलर बात हो गई तीसरी बात ये कि दोनों के आखिर में बहुत जबरदस्त जाम तरीन दुआएं हैं बहुत एग्जॉस्टिक दुआएं हैं दोनों सूरतों के आखिर में हम आमनर रसुलू देखते हैं तो वो हम डेली रात को पढ़ के सोते हैं फिर हम जब ताजुद के वक्त उठते हैं दिन का आगाज कर रहे होते हैं तो इन फिर खल समावाती वो वाली दुआ पढ़ते हैं है ना तो ये समझ लेंगे ये बिल्कुल क्या है कि सूरज और चांद की तरह चमकने वाली सूरतें हैं कि जो हमें बेहतरीन क्या देती है जिंदगी गुजारने का तरीका देती है फिर और क्या इसके अंदर सिमिलैरिटी है दोनों सूरतों में दोनों सूरतें अः के अंदर इसमें आज़म मौजूद है जिससे अल्लाह रबुलजत दुआएं क्या करते हैं कबूल करते हैं फिर अल्लाह अल्ला ताला ने दोनों सूरतों का आगाज किताब की किताब की जो अहमियत है इस कुरान की जो जो असल हकीकत है उसको बयान करते हुए दोनों सूरतों का आगाज किया दोनों सूरतें इस तरह से शुरू होती हैं फिर अल्लाह सुबहान ने इस सूरज सूरत को जो इस सूरत का जो डिवीजन है वो हम एक मरतबा देख लेते हैं आयतों का जो तर्जुमा है इनशाला हम कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से अगर हमें वक्त मिलेगा तो हम देख लेंगे अदरवाइज हम नेक्स्ट उसमें शुरू करते हैं तो क्या बात आ गई कि सूर आल इमरान बीस रुकू पर मुश्तमिल है, है ना यानी इसके अंदर ट्वेंटी रुकूज है अब ट्वेंटी रुकू को दस दस में डिवाइड कर दें अगर तो दस रुकू नसारा के बारे में है और दस रुकू ईमान वालों के बारे में ईमान वाले यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में और जो शुरू के दस रुकू है वो ईसा अलैहि सलाम की जो उम्मत थी ईसा अलैहि सलाम के जो फॉलो वो थे मानने वाले उनके बारे में तो दस रुकू नसारा के बारे में दस रुकू ईमान वालों के बारे में तो क्या हो गई है सूरत उम्मतैन हो गई उम्मत का मतलब होता है एक उम्मत और उम्मत तैन का मतलब होता है दो उम्मते। एन वर्ड आता है किसी के आखिर में तो उसका मतलब होता है दो तो उम्मत मतलब दो उम्मतें तो अब दस रुकू जो है वो किस तरह से डिवाइड हुए हैं शुरू के दस रुकू शुरू शुरू के जो दस रुकू हैं निसफ ओवल यानी फर्स्ट हाफ जो है दस रुकू का वो इस तरह से है कि बत्तीस आयतों में इंट्रोडक्शन है शुरू की बत्तीस आयतों में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है किताब के ताल्लुक से फिर जो इकतीस आयात है थर्टी वन आयात है वो नसारा का तस्करा है नसारा को खिताब किया अल्लाह ने एड्रेस किया है क्रिश्चियंस को ठीक है फॉलोवर्स ऑफ ईसा सलाम को फिर उसके अंदर थोड़ी ईसा आलाम की पैदाइश का जिक्र है मरियम सलाम का जिक्र है किस तरह से वो नबी वो सारा तस्करा इसके अंदर आएगा हम जो बाकी की आयतें पढ़ेंगे इकतीस आयते फिर उसके बाद एक नजरान के वफद का जिक्र है नजरान एक जगह है साउथ आ, अरब में अरब के जुनूबी हिस्से में नजरान एक जगह थी वहां पर बहुत सारे जो जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो नसारा की थी क्रिश्चियंस की थी ज्यादातर लोग वहां पर कौन थे जो अरब के जुनूब में वो क्रिश्चियंस थे नसारा थे तो वो जो थे जब आप अलैहि वसल्लम ने तबलीग की लोगों को हुक्म दिया दावत दी तो ये जो लोग थे नसारा वो आए आप के पास इस बात के लिए कि हम जाने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दावत का काम कर रहे हैं क्या क्या पैगाम लेकर आए हैं तो उन्होंने बहुत सारी क्या की इंक्वायरी की बहुत सारा कुछ सवाल किया पूछा बहुत कुछ समझा बूझा कुरान के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ताल्लुक से तो नजरान से वो लोग आए थे सत्तर लोग आए थे बड़े बड़े जो इल्म वाले लोग थे सत्तर लोग आए थे सत्तर क्रिश्चियंस आए थे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात थी उनको मतलब वो तो अपने दीन पर कायम ही थे तो उनको समझ नहीं आई कुछ या उन लोगों ने क्या किया कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहा तो वो लोग क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम ऐसा करते हैं मुबाहला कर लेते हैं मुबाहिला एक किस्म का वो चैलेंज होता है जो कि हम इनशाला सूर्य में पढ़ेंगे मुबाहिला ऐसा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर आता हूँ तुम अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर आओ और हम क्या करते हैं बता देते हैं कि आपस में कि ये चीज हक है मैं कहता हूँ मेरा कुरान हक है तुम कह दो कि मेरी किताब हम हम जो लेकर आए हैं वो हक है फिर हम क्या करेंगे एक दूसरे पर कर्ज करेंगे यानी कि अगर मेरी किताब हक नहीं है तो मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या हो लानत हो तो जब इन लोगों ने ऐसी बात सुनी जब आप सल्लाम अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर आ गए हजरत अली हैं, फातिमा रद्ल तसनैन है रदी अल्लाह तन जब ये खड़े थे तो वो लोग जो थे थोड़ा सा उनको झिझक हुई डर गए वो लोग क्या कर गए वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और ऐसे ही चले गए अब इन शो मुबाह भी डिटेल में पढ़ लेंगे तो वो जो थे ना उन्होंने एक्सेप्ट किया इस्लाम को ना ही मतलब कोई उसके खिलाफ खड़े हुए मतलब न्यूट्रल होके चले गए तो वो उसका तस्करा इसमें आएगा इकतीस आयतों में तो वो भी हम जब देखेंगे जब हम पढ़ेंगे फिर आगे अड़तीस जो आयते हैं वो है अहले किताब को दावत यानी ये जो नसारा थे यूदो नसारा खासकर नसारा यानी कि क्रिश्चियन इनको अल्लाह इज्जत ने दावत दी कि हक की तरफ आ जाओ कुरान की तरफ आ जाओ तो ये पहला हिस्सा किसके बारे में है पहली उम्मत के बारे में यानी नसारा के क्रिश्चियंस के बारे में अब दूसरे दस रुकू जो हैं आखिर में जो दस रुकू आ रहे हैं वो ईमान वालों को अल्लाह ने एड्रेस किया या यो अल्ला जीना ईमान वालों अब ईमान वालों को अल्लाह इज़्ज़त यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं तो दो रुकू जो है मुसलमानों से खिताब किया अल्लाह ने और कुछ थोड़ा हिस्सा अहले कि किताब को भी अहले किताब का मतलब होता है किताब वाले तो किताब वाले तौरात तो वाले भी हैं इंजील वाले भी हैं जबूर वाले भी हैं कुरान वाले भी हैं यानी कि जिस जिसको अल्लाह ने किताब दी उनको अहले किताब कहा जाता है ठीक है तो चार किताबें बड़ी किताबें आई हैं जबूर इंजील कुरान तो ये तोराबूर कुरानों को, को कहा जाएगा अहले किताब लेकिन खास तौर पर जब अहले किताब का तस्करा कुरान में आया है वो यहूद और नसारा के लिए आया है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को पुकारते हैं तो ईमान वाला ही कहते हैं या यो लजीना आम कहते हैं ठीक है फिर दो रुकू जो है मुसलमानों को अल्लाह ने एड्रेस किया उनको पुकारा उनको बताया उनको दावत का वो दिया कि अब आ जाओ हक की तरफ फिर छह रुकू जो है वो क्या है गजवा अहद का तस्करा है जो तीन हिजरी में गजवा हुई थी यानी काफिर और मुसलमानों के बीच में उसका जिक्र हम देखेंगे वो जंग थी उस जंग के बारे में क्या हुआ था वो सब हम इनशाला पढ़ेंगे फिर लास्ट के जो दो रुकू हैं वो कंक्लूजन है यानी के सारी बात को समेट लिया गया सारा मजमून समेट कर आखिर में दुआ है इनशाला ठीक तो है तो फलसफाई ईमान है ईमान का जो आ, असेंस होता है ईमान का जो फलसफा होता है असल ईमान क्या होता है वो थोड़ा सा उसका जिक्र होगा आखिरी दो रुकों में और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बेहतरीन दुआओं में से जो दुआ है जैसे आमन रसूलू है सूर्य बकरा के आखिर में वैसे इन्ना फी नल्कि समावती के वो दस आयते हैं वो बेहतरीन आयतों में से वहां पर वो दुआ कंक्लूड होती है तो ये था सूर्य आले इमरान का इंट्रोडक्शन क्या पढ़ा हमने अहल और आल का डिफरेंस के अहल मतलब घर वाले आल मतलब घर वाले भी या फिर मानने वाले भी फिर हमने देखा कुछ हदीस देखी कि सूर्य बकरा और सूर्य आल इमरान की कितनी अहमियत है कि आप अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा कि इसको पढ़ो इस को पढ़ोगे तो तुम कयामत के दिन हसरत में नहीं पढ़ोगे कोई रिग्रेट नहीं फील होगी तुम्हें कोई मतलब पशेमानी नहीं होगी जितना इसको इन दो सूरतों को पढ़ते रहोगे उतना तुम क्या करोगे इससे फायदा उठा लोगे ठीक है फिर उसके बाद हमने देखा इन दोनों सूरतों को जहरा कहा जाता है यानी कि चमकदार सूरतें दो चमकदार सूरतें इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए फिर अल्लाह सुबहान तला ने बताया कि ये दोनों सूरते जो हैं इसके अंदर नस्बत जोजियत है मतलब एक मा, जैसे मराइटल रिलेशनशिप होता है उसी तरह से ये दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं अलग भी हैं लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं एक जैसी भी हैं तो एक जैसी क्या क्या बातें थी वो हमने देख लिया कि कैसे अलीम से शुरू हो रही है मीम से आखिर में दुआ है बीच में अल्लाह सुबहान तला के इसमें आजम है फिर इब्राहिम का तस्करा दोनों दो, दोनों उसमें है दोनों ही सूरतों में क्योंकि इब्राहिम को ना सिर्फ यहूदी मानते हैं बल्कि नसारा भी मानते हैं और ईमान वाले भी मानते हैं इसीलिए अल्लाह ने दोनों सूरतों में इब्राहिम आसम का जिक्र किया क्योंकि उसको उनको सब लोग मानते हैं सारे किताब वाले मानते हैं ठीक है फिर हमने देखा कि ये दोनों सूते एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली है एक दूसरे के बारे में एक आ, एक, एक मुकम्मल वो देने वाली है पिक्चर देने वाली है ठीक है जैसे हम वो वो पजल जो, जो जोड़ते हैं तो कैसा होता है कि एक दूसरे में फिट करते हैं तो वो चीज पूरी बन जाती है अगर आप अलग अलग टुकड़े रखेंगे तो वो चीज पूरी नहीं दिखाई देगी तो वो जो पिक्चर्स बनी होती है उसको जोड़ जोड़ के बच्चे खेलते हैं तो वैसे ही समझ लें कि दोनों सूरतें जब मिल जाती हैं तो पूरा पैगाम दे देती हैं दोनों उम्मतों के बारे में सूरत तैयन है दोनों सूरतें सूर बकरा भी और इमरान भी दोनों में दो दो उम्मतों का जिक्र है फिर हमने देखा कि इसके दस दस रुकू डिवाइड किए गए हैं दस रुकू में अल्लाह ने नसारा को नसारा यानी क्रिश्चियंस को वो किया एड्रेस किया उनसे मुखातिब हुए और फिर दस रुकू में ईमान वालों से मुखातिब हुए तो दस रुकू जो पहले दस रुकू हैं उसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन है फिर नसारा को अल रबत ने एड्रेस किया उनके बारे में बताया ईसा सलाम की पैदाइश वगैरह बताई फिर अल्लाह सुबहान ने अड़तीस जो आयते हैं सॉरी बत्तीस आयते तमहीद है यानी इंट्रोडक्शन है इकतीस आयत नसारा को किताब है फिर अः उसमें नजरान वालों का जिक्र है फिर आखिर में अड़तीस आयते थर्टी एट आयते हैं जो उसमें अहले किताब का जिक्र है ठीक है उनको दावत दी गई यानी और यहूद को फिर हम देखते हैं कि आखिरी जो दस रुकू है उनको दावत दी थोड़ा सा थोड़ा सा उसमें जिक्र किताब वालों का भी है नसारा और यहूद का तो छह रुकू जो है गजवाए का जिक्र है वो इनशाला सब हम डिटेल में पढ़ेंगे दो रुकू जो है कंक्लूजन पर है दुआ पर खत्म होता है तो ये ये बातें कुछ ऐसी बातें थी कि आप लोगों के सिर्फ ये जब आप पढ़ते जाएंगे आयतों का जिक्र तब आपको ये चीजें डिटेल में समझ में आती रहेंगी क्योंकि ये ऐसे बोल देना और फिर उन चीजों को समझना अलग चीज होती है तो जब आप वो सारी आयतें समझ चुके होंगे तो आपको ये बातें भी समझ आ जा जाएंगी कि अल्लाह ने क्या क्या जिक्र किया तो अभी इस पे डरे डरे नहीं कि ये तो ऐसी इतनी सारी बातें कि हमें समझ में ना आई हो ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग इसका आंसर रिकॉर्डिंग के अंडर जो कमेंट होता है उसमें दीजिएगा इन क्योंकि हमें किसी ने सजेशन दिया था कि आप जब पढ़ा दें तो उसके आखिर में आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लें ताकि हम जो है उसको रिकॉल कर सकें दोबारा से उस चीज को याद कर सकें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था ठीक है तो हम कुछ सवालत कहते हैं तो आप जहन में लेकर आए क्या इसका जवाब मुझे आता है और आता है तो आप लिख दीजिएगा वहां चाहे तो वहां लिख दें या ना भी लिखे तो आप लोगों के या आसानी के लिए हम ऐसे ही सवाल कर रहे हैं ठीक है एक सवाल सबसे पहला सवाल आल और अहल में क्या फर्क है आल किसे कहते हैं अहल किसे कहते हैं दूसरा सवाल सूर्य आले इमरान के अंदर कितने रुकू हैं मदनी और मक्की सूरत किसे कहते हैं मदनी सूरतें और मक्की सूरतों में क्या फर्क है ठीक है हाँ अभी अभी आप ना लिखें, हम सिर्फ आप लोगों से सवाल कर रहे हैं आप लोगों को देखें कि आप लोगों को ये सारी बातें आ रही हैं क्या नहीं जहन में ठीक है फिर सूर्य आले इमरान में कितनी आयतें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अजहरा वीन का क्या मतलब है नेक्स्ट क्वेश्चन सूरे आले इमरान के ताल्लुक से एक हदीस कोई जो आपके जहन में आती हो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अः नस्बत जोजियत किन दो सूरतों में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सूरतैन आले इमरान को सूरतलैन क्यों कहा गया सूर्य आले इमरान में नेक्स्ट क्वेश्चन सूर आले इमरान में कौन सी दो उम्मतों का जिक्र है नेक्स्ट क्वेश्चन इमरान के कितने रुकू कितने रुकू में नसारा को किताब है और कितने रुकू में ईमान वालों को किताब है नेक्स्ट क्वेश्चन माशाल्लाह इतनी तेजी से आंसर भी आ रहे हैं माशाबारी अमल में बरकत अता फरमाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नजरान से जो वफद आया था उनको किस चीज का चैलेंज किया था आप सल वो वर्ड क्या है ठीक है आ, कौन सी चीज का चैलेंज किया था नेक्स्ट क्वेश्चन अहले किताब किसे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नसारा किसे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सूरह आले इमरान के आखिर में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सूरह आले इमरान और सूरह बकरा में कौन से इसमें आज़म आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आजम के जरिए से क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी तीन सूरतों में इसमें आजम आए हैं चले बहुत सारे हो गए। <laughs> हम बोलते बोलते इतना सारा बोल दिया अल्लाह सुबाना तब सब को जो हमने कहा है अल्लाह उसमें हक आप तक पहुंचाए हमें हक कहने की तोफीकता फरमाए जो हमने कहा जो अल्लाह रबुल जो हक आप तक पहुंचा वो अल्लाह की जानिब से था जो कोई गलत बात आप तक पहुंच गई हो कोई मिस्टेक हो गई है तो वो हमारे नफ्स की तरफ से थी वो शैतान के वसफ़सों की तरफ से थी अल्लाह उसे मुआफ़ फरमाए और सिर्फ हक जो अल्लाह इज़्ज़त की किताब के ताल्लुक से है वो आपके कानों तक पहुँचाए वो आपके दिलों तक पहुँचाए उस पर आपको अमल करने की तोफ़ी का फरमाए और अल्लाह सुबहान तलामल के बाद हमें आगे पहुँचाने की तोफ़ी का तरमाए तो ये छोटा सा इंट्रोडक्ट्री लेक्चर था अभी जो मेन आयते शुरू होंगी वो असल में हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे ठीक है तो आज हम स्टार्ट नहीं करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे ये इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया कि हमने देखना था कि आज कितने लोग आते हैं फिर इनशाला हम नेक्स्ट उसमें इसको मुकम्मल करेंगे तो कोशिश करें इस इनके जवाबात आपने नीचे देना है रिकॉर्डिंग्स के तो वो जब दे दें दे, या फिर क्योंकि और हमने आप लोगों की अटेंडेंस लेना है क्योंकि हमने ये देखना है बाय द लास्ट लास्ट डे ऑफ दिस वीक इस इस हफ्ते के जो आखिरी दिन है यानी के सैटरडे कि कौन से लोग परमानेंट रुकने वाले हैं क्योंकि ऐसा होता है कि आते शुरू में बहुत सबको एक्साइटमेंट रहता है सबको वो, वो रहता है लेकिन कहीं शैतानी वसवसे या किसी भी तरीके से वो शैतान अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देता है और हमें क्या करता है या तो वक्त का बहाना दे देता है या कह देता है बहुत लंबा लेक्चर है या कह देता है कि आपको तो और भी दूसरे काम इम्पॉर्टेंट हैं तो वो इस तरीके से क्या होता है वो चीजें छूट जाती हैं तो जब तक के ये तीन क्लासेस हो जाएंगी सारे स्टूडेंट्स हमें पता चल जाएंगे कौन से रेगुलर आने वाले उसके बाद हम आप लोगों के ग्रुप्स बना देंगे फिर तो आप लोगों ने आपस में इंशाला डिस्कशन करना है एक दूसरे से जो भी आप सीखेंगे वो एक दूसरे को सुनाना है इनशाला फिर हमें मंडे के दिन आप लोगों ने सुनाना है तो एक दूसरे को आप एक बीच में सुनाते रहेंगे और हमें जब आप सुनाएंगे वो मंडे का दिन होगा इनशाला तो अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको इस्तेकामत अता फरमाए और अल्लाह व तआला سب کو اس پر عمل کرنے واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياتي وذكر الحكيم جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته